अब ऐसे अगधाम पाप के साक्षात महल है, पाप के स्वरूप है, पाप का पुंज है। अजामिल को दुर्गति पक्की होनी चाहिए, लेकिन नाम का प्रभाव, पुत्र के बहाने से नाम निकल गया नारायण, सारा जगत जानता है, सब बड़े बड़े महात्मा जन जानते हैं कि बस इसी बहाने से संपूर्ण जो अगधाम था उसके पापों का मोचन उसी क्षण हो गया। क्यों उसी क्षण? क्योंकि भगवान के पार्षदों के दर्शन हो गए, जो भगवत दर्शन के समान। और फिर सुना उसने भगवान के पार्षद भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कर रहे, यमदूतों को उपदेश कर रहे। केवल नाम के प्रभाव से हुआ। अगर वो कोई तपस्या का अनुष्ठान करता तो शायद है कई जन्म लगते, ऐसे अपराध किए थे, ऐसे धर्म विरुद्ध आचरण किए थे, शायद कोई और भी अनुष्ठान करता तो बहुत लेकिन नाम की महिमा। आप अविश्वास न करें कि आप जो कृष्ण बोलते हैं, राधा बोलते हैं, हरि बोलते हैं, ये आपका उद्धार नहीं कर पाएगा। ऐसे आप अपराध करते हैं कि आपका उद्धार नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। गुरुजन, संतजन, वैष्णवजन इसलिए डांटते हैं, इसलिए वो कभी कभी ऐसा कह देते हैं कि आप जिनका नाम जप कर रहे हो उनकी मर्यादा में रहो, आप हरि पार्षद हो और अच्छे बनो। जब प्रभु ने कृपा की है क्यों गंदगी लगा के घूम रहे हो? हटाओ इन दुर्वासनाओं को, हटाओ गंदी बातों को, अच्छे बनो। नहीं तो विश्वास कर लो, तुम जो नाम उच्चारण कर रहे हो ये नाम तुम्हारे किसी भी आचरण से नष्ट होने वाला नहीं, ये नाम अपनी महिमा में अमोघ है और ये आपका परम मंगल करेगा ही करेगा, परम मंगल करेगा। कहीं किसी भी तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि आपने राम बोला, कृष्ण बोला, हरि बोला और आपका अमंगल हो जाए, अब नहीं होगा। विश्वास करो, बहुत बड़ी जो वस्तु आपके पास है नाम, चूकना मत। पर संत जन जो जोहरी हैं इस नाम की कीमत को जानने वाले, वो कहते इतना मंगल में नाम ले रहे हो तो आचरण क्यों गंदे करते हो, क्यों हरि को कटुवचन कहलाते हो, क्यों हरिदास कहला करके ऐसे आचरण करते हो जिससे लोग हरि पर अंगुली उठाए कि देखो ये भगवान के भक्त है, देखो ये हरि नाम जपते हैं, देखो ये राधा नाम जपते हैं, और कैसे आचरण करते हैं ये हरि पार्षद वैष्णव जन संत जन इसलिए डांटते हैं, इसलिए शासन में लाते हैं कि आप एक अच्छे हरि पार्षद बने। देखो नाम का प्रभाव पशु योनि में है, मूल पामर अभिमान युक्त है गजेंद्र। जब ग्राह ने आके पकड़ा, लड़ते लड़ते अपने सगे संबंधियों को देखा कि छोड़कर चले गए, फिर देखा मेरा भी बल परास्त हो गया, अब क्या, जब कोई बल नहीं रहा तो पूर्व भजन का प्रभाव इस हाथी की योनि में उसे भगवान की याद आ गई। ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, विचार किया जीवन का सार हरि भजन है और बाबा जी बन करके भजन करने लगा। महर्षि अगस्त जी पधारे, ये सब धर्म स्थापना में प्रभु के जयत खंभ है, सब महापुरुष। ये कोई साधन भजन करने वाले साधक नहीं, ये सब सृष्टि अवतरण में, ये सब भगवत स्वरूप महात्मा सृष्टि को धर्म स्थापन के लिए इस समर्थ जैत खंभ की तरह। उन्होंने देखा उनका किसी महापुरुष से दीक्षा नहीं ली, किसी महापुरुष से आदेश नहीं लिया और राज सेवा कार्य का अपने आप त्याग करके, और ऐसा ये सब ठीक नहीं, और तू ये जानते हुए भी कि एक गृहस्थ धर्म से युक्त है, देखते ही वैरागी को उठकर खड़े होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, मदान
हाथी की तरह बैठा रहा, साथ देता हूं जा हाथी की योनि को प्राप्त हो जा। दोस्त तो था ही, ऐसे जो मनमानी नहीं कि आप वेश धारण कर ले, ऐसा नहीं, ये गुरु परंपरा से, इसीलिए भगवान आचार्य रूप से अवतरित होते, संप्रदायाचार्य के रूप में प्रभु अवतरित होते। यदि आपको वैराग्य लेना है, आपको शतमार्ग में जाना है, तो आप किसी आचार्य परंपरा से जुड़िए, गुरु प्रदत्त वेश स्वीकार कीजिए, उनकी आज्ञा के अनुसार भजन। ये मार्ग से थोड़े अबे मन आया लाल पहन लिए, मन आया गेरुए पहन लिए, पीले पहन लिए, मंगल को नीले पहन लिए, शुक्रवार को हरे पहन, ऐसे नहीं है। सब नाटकबाजी नहीं चलता, दम्भ नहीं चलता, ये पाखंड नहीं चलता। आचार्य परंपरा है, गुरु परंपरा है, जो आपको गुरु ने आदेश दिया हो, जो आपको गुरु ने वस्त्र दिया हो, उसके अनुसार चलना चाहिए। इसीलिए अगस्त जी ने दंड विधान कर दिया, लेकिन कैसे भी सही, वो ईमानदारी से हरि का भक्त बनना चाहता था, ईमानदारी से मार्ग नहीं मिला। वो नहीं समझ पाया कि पहले हमें संतों की शरण जाना चाहिए, आचार्य की शरण होकर फिर ऐसा। हरि नाम कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, और हरि नाम जपने वाला कभी नाश को नहीं प्राप्त होता। लगा देखो कि इंद्रद्युम्न को बहुत बड़ा ये संकट आ गया कि उसे गज योनि में जाना पड़ा, लेकिन गज ऐसा नहीं बना, गजेंद्र बना। चित्रकूट पर्वत पे उसकी झूमती थी, बड़े बड़े सिंह भी उसकी गंध से भयभीत होकर भाग जाते थे, ऐसा गजराज बना। जब संकट का समय आया तो उसे याद आ गई और पुकारा हरि, जे ही पुकारा भागे मेरे प्रभु। वायु की गति से भी तेजवान मन है, और मन की भी गति से तेजवान भगवान गरुण जी, और गरुण से भी अनंत गुना तेजवान प्रभु श्री हरि, क्योंकि वो सर्वत्र वही है। पर जब पुकारा प्रभु को दूर भावना से, तो गरुण में चढ़कर भागे, देखा विलंब हो जाएगा तो गरुण को छोड़ दिया और भागे। सुदर्शन जी के पावन स्पर्श से ग्राह को परम पद प्रदान करके गजराज को, जल से ही नहीं, ग्राह से ही नहीं, संपूर्ण वासनाओं से मुक्त करके उन्हें परम भागवत पद प्रदान किया और उनकी कीर्ति का गान किया। ये केवल हरि पुकारने से, हरि नाम से।